हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे। हम आजकल इंटरनेट पे कुछ ऐसे किचन हैक्स एंड आइडियाज़ रोज ही देखते हैं जो देखने में काफ़ी सुंदर होते हैं और साथ ही साथ यूज़फुल भी होते हैं। बट आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इन्हीं वायरल किचन हैक्स को टेस्ट करके बताऊंगी कि क्या सच में ये वायरल किचन हैक्स यूज़फुल है या हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, मैं आपको सच्चाई बताऊंगी। तो बिना देरी करते हुए आज का ये बहुत ही मज़ेदार वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मेरे इस चैनल को एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑल्सो, ताकि आपको इस तरह की यूज़फुल वीडियोज़ हमेशा मिलती रहे। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स टेस्ट इट सम वायरल किचन हैक्स। सबसे पहला वाला टेस्ट जो मैं कर रही हूँ, ये हमारे किचन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैक्स है। होता क्या है, जब भी हम कुकर में दाल या कुछ और चीज़ें को बॉईल करते हैं तो जब उसमें सीटी लगता है तो वो पूरे कुकर को गंदा कर देती है। तो इसका सलूशन हमें बताया जाता है कि आप कुकर में एक चम्मच को रख दो। तो आपको मैं यही किचन हैक्स को टेस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं कुकर में दाल को बॉईल कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने पानी जितना ज़रूरत है उतना ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है इसमें पानी, और बस इसमें डाल दूँगी स्टील का चम्मच। आप देख सकते हैं पानी कम है, चम्मच हमने डाला है। तो अब हम टेस्ट करेंगे कि क्या सच में ये वायरल किचन हैक्स पास होते हैं कि नहीं। तो गैस को ऑन कर लेते हैं और अब इंतज़ार करते हैं इसके सीटी मारने का। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सीटी लग गई है और ये आई थिंक पास हो रहा है। बट जब दूसरी सीटी मारी तो ये पूरी तरह से हमारे कुकर को गंदा कर दिया। तो पहली सीटी तक तो ये ठीक थी, बट दूसरी सीटी में ये किचन हैक्स फेल हो गई। तो इसी तरह के आगे बहुत ही मज़ेदार हैक्स को आज टेस्ट करेंगे। चलिए हम चलते हैं अपने दूसरे हैक्स की तरफ। तो नेक्स्ट किचन हैक्स बताया जाता है कि आप जब भी दूध या चावल को बॉयल करते हो और जब वो गिर जाते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक उड़न का स्पैचुला इसके ऊपर रख दीजिए और ये आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हम मैं यहाँ पर चावल को बॉयल करने के लिए डाली हूँ। देखिए आज पूरी तरह से तेज है और मैंने इसके ऊपर रख दिया है एक उड़न स्पैचुला। एंड अब देखते हैं, लेट्स टेस्ट इट कि क्या ये पास होती है कि नहीं। एंड सामने से तो लग रही है ये पूरी तरह से पास है, बट जब मैंने इसे पीछे से देखा तो पानी या दूध आप इसमें बॉयल जब करोगे तो ये निकल जाएगी। तो सामने से तो आप देख सकते हो, सामने से ये किचन हैक्स बिल्कुल पास है, एकदम लग रहा है कि एकदम बहुत ही यूज़फुल हैक्स हमने पता चल गया, बट पीछे की सच्चाई ये है। तो इस तरह के वायरल किचन हैक्स हमें अक्सर ही देखने मिलते हैं, बट होममेड खुशी चैनल में आपको इसकी सच्चाई पता चल जाती है। तो आई थिंक ये किचन हैक्स भी पूरी तरह से फेल है। आपको क्या लगता है, मैं इसे पास कहूँ कि फेल कहूँ, मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। सो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट किचन हैक्स की तरफ। तो जब भी हम सेब को किसी भी टिफ़िन में या किसी को बच्चे को या घर पे ही काटने के लिए जब हम कट करके रख लेते हैं तो थोड़ी देर में वो काले पड़ जाते हैं। तो इसका एक वायरल किचन हैक्स बताया जाता है कि जब भी आप सेब को कट करो तो एक बोल में पानी ले लीजिए, पानी में थोड़ा सा नमक को ऐड कर लीजिए और इस सेब को 10 मिनट के लिए उसमें छोड़ दीजिए। सेम प्रोसेस मैं कर रही हूँ, आपको दिख रहा होगा कि मैंने इसमें पानी और नमक डाल के इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है। क्योंकि घर में जितने भी सेब कटते हैं मैं सुबह ही काट लेती हूँ, हस्बैंड को ऑफिस में देना रहो, बच्चे को टिफिन में देना रहो या मुझे ब्रेकफास्ट में लेना रहो, तो एक ही टाइम मेरे घर में सारे सेब कट जाते हैं। एंड अब आई थिंक 2-3 घंटे हो चुके हैं सेब को कटे हुए और ये देखिए सेब पूरी तरह से वाइट है, बिल्कुल काला नहीं पड़ा है। तो ये किचन हैक सच में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। जिन्हें हमेशा डर रहता है कि सेब काले पड़ जाएंगे, तो ये हैक को आप ट्राई कर सकते हैं कि सेब को पानी या नमक में थोड़ी देर के लिए छोड़ दे और फिर इसके बाद आप इसे टिफ़िन में दे या अपने खाने के लिए यूज़ करें, सेब बिल्कुल काले नहीं पड़ेंगे। तो ये किचन हैक्स पूरी तरह से पास हुआ, मैं इसे 10 out of 10 दूंगी। चलिए मैम चलते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। बॉटल को घर पे लाते हैं तो ये जो कांच वाली सीसी होती है उसमें जो स्टिकर लगा रहता है उसे निकालना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए मैंने रिसेंटली बहुत ही वायरल हैक को देखा कि आप अपने ब्लोअर से आप इस कागज़ को, इस स्टिकर को निकाल सकते हैं। तो मैं भी आज सोच रही हूँ कि इसे ट्राई किया जाए। तो आप देख रहे हैं कि हाथों से इसे निकालना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो यहाँ मैंने एक ब्लोअर लिया है। ब्लोअर जैसे कि ये वाली मेरी ब्लोअर है, इसमें 3 सेक्शन है, आप इसे आप इसकी हवा को गर्म, उससे गर्म या बहुत ज़्यादा गर्म कर सकते हैं। तो मैंने ब्लोअर को पूरी तरह से हीट वाले सेक्शन में रखा है और
तो लगभग 20 मिनट मैंने इसे अच्छी तरह से ब्लो किया, पूरी तरह से हीट में ब्लो किया, पूरी मैंने अपने एफर्ट दी इसमें। तो लेट्स टेस्ट इट कि अब इसका रिजल्ट क्या आता है। नो, ये पूरी तरह से, ये बहुत ही गंदी तरह से निकल रहा है। जिस तरह से आगे निकल रहा था उसी तरह से अभी भी निकल रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आए हैं और आई थिंक ये अच्छी तरह से निकलेगा भी नहीं। तो ये वाला किचन हैक्स पूरी तरह से फेल है। आप अपना टाइम वेस्ट ना करें इस तरह के हैक्स को ट्राई करते हुए। और अगर आपको कांच वाले शीशी में से स्टिकर निकालने की प्रॉब्लम होती है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इसका एक बहुत ही अच्छा सलूशन बताया है कि आप एक बोल में हल्का गुनगुना पानी ले लें और इसे 10 मिनट के लिए उसमें छोड़ दें और एक स्क्रबर लेके आप इसे स्क्रब कर लें। इससे बहुत ही आसानी से स्टिकर बाहर निकल जाएगा। तो वो वाला तरीका ट्राई करें, ये वाला तरीका बिल्कुल ट्राई नहीं करें। आपका टाइम बर्बाद होगा, आपकी मेहनत बर्बाद होगी और आपका मूड भी ख़राब हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट वाली टेस्ट हम कर रहे हैं वो इस तरह के सिंक कर रहे हैं। कभी कभी सिंक हमारा जाम हो जाता है, इस तरह का हो जाता है, कुछ कचरा फंस जाता है या कुछ हमारे वेस्ट आइटम इसमें फंस जाते हैं। तो उसके लिए बताया जाता है कि आप बेकिंग सोडा में थोड़ा सा विनेगर डाल के आप इसके अंदर डाल दें, आपका किचन पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा। तो लेट्स टेस्ट इट। यहाँ मैंने बेकिंग सोडा विनेगर को ले लिया है और इसके अंदर डाल रही हूँ। लेट्स टेस्ट इट ये पास हो जाए, क्योंकि ये वाले किचन टिप्स हम अक्सर ही देखते हैं और ये वाली प्रॉब्लम सभी के साथ होती है। तो मैंने उस कटोरी को सिंक में डाल दिया है और एक ब्रश के हेल्प से भी इसे कर रही हूँ, बट इसका रिज़ल्ट ज़ीरो हुआ। बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना तो मेरी ना तो पाइप साफ हुई, ना तो सिंक साफ़ हुआ। सो इस तरह से ये हैक पूरी तरह से फेल हुआ। सो जब भी हम इंटरनेट में कुछ ऐसे किचन हैक्स या वायरल हैक्स को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये वाले हैक्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बट इसकी एक्चुअल सच्चाई आपको मेरे चैनल पर पता लगेगी। तो जैसा कि अभी मैंने बहुत सारे हैक्स को ट्राई किया एंड कुछ ही हैक्स पास हुए। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। चलिए मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।